भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर जनकराज जी, हमारे बरबोर के विधायक जियालाल कपूर जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़कर विनम्र अभिवादन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो पठानकोट से ऊपर उठकर तब यहाँ की सृष्टि और नैसर्ग को देख रहा था। भगवान ने आपको बहुत अच्छा हिमालय के इस नजदीकी क्षेत्र में सृष्टि और सौंदर्य को प्रदान किया है। एक प्रकार से आप भाग्यवान हैं कि हिमाचल एक प्रकार से हमारे देवों की भी भूमि है और भगवान ने इसको ऐसा निर्माण किया है कि सही भाषा में एक जन्नत है। और मैं ये भी समझ रहा हूं कि इसकी दिक्कतें भी क्या है। जब डॉक्टर जनकराज जी अपना भाषण दे रहे थे तो मुझे पुराने समय की याद आई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय मुंबई में, महाराष्ट्र में मैं मंत्री था। मेरी उम्र 34-35 साल की थी। आप कभी मुंबई जाओगे तो उस समय मैंने मुंबई और पुणे के बीच के बीच में द्रुतगति महामार्ग बनाया। और आप जो टीवी पर देखते हो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट समुद्र में, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल बनाए। तो वाजपेयी जी ने ये सब देखते हुए मुझे दिल्ली बुलाया। उस समय सुंदरलाल पटवाजी ग्रामीण विकास मंत्री थे और अटल जी ने मुझे कहा, नितिन तुमने शहर में तो बहुत काम किया है पर आप इस देश की ग्रामीण इलाके को जोड़ने का काम करिए और इसके लिए भारत सरकार को एक योजना बना कर दीजिए। उन्होंने मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की। उसमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के अध्यक्ष थे, सुंदरलाल जी पटवा उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। मैंने 3 महीने परिश्रम किया। तो उस कमेटी में जब हम ये काम कर रहे थे कि हर गांव को मजबूत रोड से जोड़ने की बात आई तो पहाड़ी क्षेत्र की बात आई और कमेटी ने यह निकष तैयार किया कि जिस गांव में 1000 के ऊपर लोग होंगे वही उस गांव को हम जोड़ेंगे। तो उस समय हिमाचल से प्रतिनिधिमंडल आकर मुझे मिला। शांता कुमार जी उस समय मुझे आकर मिले और उन्होंने कहा कि हमारी पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं, क्या अगर इस योजना का फायदा उनको नहीं मिलेगा। काफी विचार विमर्श के बाद हमने यह तय किया कि पहाड़ी क्षेत्र के निकष अलग होंगे और जो प्लेन क्षेत्र होगा उसके निकष अलग होंगे। 3 महीने के बाद मैंने अपनी रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंप दी और 15 दिन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले से घोषणा कर दी और वो योजना बनाने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से मुझे मिला। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज भी वो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है और जिसका अभी जिक्र हमारे डॉक्टर साहब ने, जनकराज जी ने किया था और उसी के कारण हमने पहाड़ी क्षेत्र में भी रोड बनाने की कोशिश की। बहनों और भाइयों, यहाँ रोड बनाना बहुत मुश्किल है।
टनल बनाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी यहाँ जनक राज जी ने कहा है, मैं हिमाचल प्रदेश में केवल 60,000 करोड़ रुपए की टनल बना रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं जब बचपन में मनाली आया था तो रोहतांग पास जाने के लिए मुझे 3.5-4 घंटा लगा था। अब जब अटल टनल बनी है तो मैं केवल 8 मिनट में निकल गया, वो फायदा मैंने देखा। मुझे कहां से क्या जोड़ा जाता है ये हिमाचल की जानकारी उतनी नहीं है, पर मनाली से रोहतांग पास की टनल हमने बनाई, उसके बाद लद्दाख और लेह तक मैं 4 टनल बना रहा हूं और रोड बना रहा हूं। वहां से लद्दाख और लेह से जाकर आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला कारगिल के नीचे वो मैं बना रहा हूं, 50% काम पूरा हुआ है। आपके आशीर्वाद से बहनों और भाइयों, इस टनल के ऊपर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। उसके आगे झेड़मोड़ टनल हमने बनाई है, उसका उद्घाटन मैं 2 महीने के बाद करने के लिए जा रहा हूं। झेड़मोड़ के बाद हम श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर से जम्मू मैंने बहुत बड़ा उसमें 5 टनल बनाई है, वो भी काम लगभग पूरा हुआ है। और उसी समय कटरा से दिल्ली तक मैं हाईवे बना रहा हूं, कटरा से दिल्ली जो हाईवे है उसका भी काम जोरों में शुरू है, जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, अमृतसर से कटरा यानी दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली में हमने रोड बनाया, अभी मेरठ में दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में सफर। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में अब इस साल के एंड तक हो जाएगा। मैं देश में बहुत ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, हमारा देश बदल रहा है। पर बहनों और भाइयों, हिमाचल प्रदेश में भी मैं काफी हाईवे बना रहा हूं, रोपवे बना रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, मुझे पता नहीं पर आपके यहाँ लटके हुए प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे और उन प्रोजेक्ट के निर्माण करने में मैंने उसको अनुमति दी। उन प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण थे उसमें से ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान हिमाचल के विकास में है। ये जो हिमालय है इसमें से पानी रोककर बिजली तैयार करना, उससे यहाँ रोजगार भी मिलता है और उसके साथ साथ वो कागज है क्या, हाँ ये मिल गया। तो मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने हिमाचल की 3 योजना को मंजूर करके दिया और 90% रकम मैंने भारत सरकार से हिमाचल की सरकार को दी और जयराम ठाकुर जी को इसका क्लियरेंस करके दिया। उसमें पहली योजना थी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी थी रेणुका जी बांध परियोजना और तीसरी थी किशाऊ बांध परियोजना। ये पूरी 3 योजना को मैंने 28 अगस्त 2018 को ये राज्यों में झगड़े थे, वो झगड़े को निपटाकर भारत सरकार से 90% राशि देकर ये योजना को हमने मंजूरी दी। अभी मुझे बताया गया कि पठानकोट से भरमौर तक रोड बनने की आवश्यकता है, मैंने उसको 154A4 इसको मंजूरी दी है, काम शुरू हुआ है
और मैं आपको वचन देता हूं कि ये रोड मैं आपको अच्छी तरीके से बना दूंगा, जिसके कारण आपको पठानकोट जाना आसान हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसके बारे में अभी जिक्र किया गया है, मैं हिमाचल प्रदेश में काफी रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। लद्दाख और लेह में भी 25 जगह पे बना रहा हूं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि अब रोड बनाना बहुत मुश्किल है, टनल बनाने की जरूरत है, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को अगर जोड़ दिया जाएगा तो आसानी से आपका जाना हो सकता है। और इसलिए ये मनोड़ी से पांगी तक रोपवे किलाड़ तक मैं आपको मंजूर करके मैंने दी है, ये मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। भरमौर से बरवाणी माता ये भी रोपवे है जिसको मैंने मंजूरी दी है, वो भी मैं मंजूर करके दूंगा। वैसे हिमाचल में कांगड़ा जिले में कुल्लू बिजली महादेव काफी है, 12 रोपवे को मैंने मंजूरी दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में टनल बनाने से भी काफी राहत मिलेगी। पर मैं आपको वचन देता हूं, तो टनल बनाने की भी योजना का हम अध्ययन करेंगे, और ये जो ऊपर के पहाड़ है उसको ऊपर के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ दिया, रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे से, तो आपको काफी दूरी तक इसी प्रकार का नेटवर्क कैसे खड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं अध्ययन करके आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। अभी बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस मैं शुरू कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, और नॉलेज ये बहुत बड़ी शक्ति है, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ यही हमारा सपना है। हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, हम हिंदुस्तान को दुनिया के नंबर एक की आर्थिक शक्ति बनाएंगे। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, अभी हमारे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे पेट्रोल और डीजल पंप की और गैस की, अब किसका पंप है और क्या है मुझे मालूम है, पर मैं उनके पंप के इलाज आपको बता देता हूं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने देश में बिजली पर चलने वाली बसें लाई है, बिजली पर चलने वाली ऑटो रिक्शा लाई है, बिजली पर चलने वाली कार लाई है, और बिजली पर चलने वाला भी ट्रैक्टर और ट्रक भी मैं ला रहा हूं। ये आपका ये जो होटल दिख रहा है, ये घर दिख रहे हैं, ऊपर में टीन लगी हुई है, टीन की शीट, डॉक्टर साहब अब इसके बाद मैं टीन के ऊपर सोलर फिट की हुई ऑटोमेटिक शीट आपको दूंगा। आपके राज्य सरकार को इसलिए कहूंगा, हर व्यक्ति अपने घर में बिजली तैयार करेगा, उसके घर में लाइट तो चलेंगे, पंखे तो चलेंगे ही, हीटर तो चलेगा ही, पर उसी के साथ साथ गाड़ी भी चार्ज होगी, बस भी चार्ज होगी, स्कूटर भी चार्ज होगी, ऑटो रिक्शा भी चार्ज होगी, और बिजली में 100 रुपए का अगर पेट्रोल लगता है तो 10 रुपए में काम हो जाएगा। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में मेरे घर पर 2 गाड़ियां है, 3 गाड़ियां है, मैं इलेक्ट्रिक के गाड़ी में बैठता हूं, मैं पेट्रोल डीजल के गाड़ी में नहीं बैठता। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को ले लीजिए, मैं आपको एजेंसी दिला दूंगा, स्कूटर की एजेंसी दिलाऊंगा, बताओ किसको देना है, ऑटो रिक्शा की एजेंसी दिलाऊंगा, बसेस लेने के लिए लोन दिला दूंगा,
ये डीजल पेट्रोल को देश से हद्दपार करना है। आपको केवल आपके इस क्षेत्र से पेट्रोल डीजल को निकालने की बात कर रहे हैं, मैं तो देश में इसको समाप्त करने का सपना देख रहा हूं। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी है जिसमें मैं घूमता हूं। मेरे यहाँ पानी से हाइड्रोजन निकालकर उसकी गाड़ी में मैं चलता हूँ। मर्सिडीज गाड़ी से बेची है, दिल्ली आई है, आपको चक्कर दिलाऊंगा। हाइड्रोजन पर गाड़ी चल रही है। आपके यहाँ भी आप पानी से हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं, और दिन दूर नहीं है। और अभी जो किसान है वो अन्नदाता नहीं, उनको ऊर्जादाता बना। आपको जो परली होती है ना, परली आप क्या होता है कि चावल नहीं होता, परली से हमने बायो सीएनजी बायो एलएनजी गैस बनाया, और परली से बिटुमिन बनाया पानीपत में, और अब हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं। मैं इथेनॉल बनाता हूँ, इथेनॉल मैंने देश में लाया है, इस बात का मुझे अभिमान है। अब टोयोटो की गाड़ियां 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, और इस देश के किसान को केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनाने का हमने संकल्प लिया। इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल बायो सीएनजी बायो एलएनजी इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन हिमाचल में बनेगा, रोपवे केबल कार बनेगी, टनल बनेगी, रोड बनेंगे। और मैं जानता हूं कि रोड के बिना विकास नहीं होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनकी बात का मैं अक्सर उल्लेख करता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में रोड बनेंगे, टनल बनेंगी, रोपवे बनेंगी, केबल कार बनेंगी, फेनाकुलर रेलवे बनेंगी, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसें होंगी, स्कूटर होगी, ऑटो रिक्शा होगी, खुशहाली होगी, समृद्धता होगी, संपन्नता होगी। हम अपने देश को अपने मातृभूमि मानते हैं। हम यही कहते हैं कि हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, जवान लोगों के हाथों को काम मिले, भय आतंक और भ्रष्टाचार से हिंदुस्तान को मुक्ति मिले, और ये सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण हो, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है और यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज इतने बड़ी संख्या में आया हूं। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था तो वही नारा देते थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। आपकी संस्कृति आपका इतिहास आपकी विरासत आपकी रहन सहन आपकी भाषा खान पान की पद्धति भले अलग अलग है पर दिल तो हिंदुस्तानी है, और इसलिए हम एक देश के नागरिक हैं। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, यही हमारा विचार है। मुझे बहुत खुशी है कि जयराम जी ने मुझे काफी जानकारी इस जिले की बताई थी। मैं एक बार इधर आया था तब हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जी के साथ आया था, पर अब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी समस्या को समझाऊं। आप एक ही काम करिए, हमारे डॉक्टर साहब को चुन कर दीजिए, कमल की बटन दबाइए, हिमाचल में भाजपा की सरकार लाइए,
और नए मुख्यमंत्री और इनको मंत्री को मैं दिल्ली बुलाऊंगा और आपकी सब समस्या को सुलझा दूंगा। इसी बात का वचन देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, पानी में बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। 75 साल हुए देश को स्वाधीनता में, 60-65 साल कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला, पर दुर्भाग्य से हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। मेरा विश्वास है आपका सपना पूरा करने का हमने संकल्प किया है। आप भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, डॉक्टर साहब को चुन कर दीजिए और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाइए। यही आपसे प्रार्थना करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आपने जो प्रेम व्यक्त किया है, इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हाथ जोड़कर आपका अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।